वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा के बारे में, इनका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रेजेंट में ये अभी कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ था वो 29 अक्टूबर 1954 कराची पाकिस्तान में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम लियाकत गुल आगा और मदर का नाम नसरीन और बहन सबीना आगा थी। तो इनका जो 9 ईयर की उम्र में ये लंदन चली गई और वहाँ पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, क्योंकि इनके पिताजी लंदन में ही पत्थर का, कीमती पत्थर का काम करते थे, तो वहाँ पे ही ये चले गए। तो वहाँ पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, आगे इनका जो भी करियर इनका जो हुआ वो सब लंदन में ही हुआ। फिर इनका इंडिया आना हुआ ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में। इनका चूँकि फैमिली परिचय था इनके पिताजी का और राज कपूर जी का, तो ये लोग सभी शादी में इनवाइट हुई थी और वहाँ पे कई बड़े बड़े निर्माता निर्देशक आए हुए थे। तो सलमा आगा जी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन थी, तो इनको कई निर्माता निर्देशक अपने पिक्चर में लेने का ऑफ़र किया, तो ये तैयार हो गई, अपने पिताजी भी इनके तैयार हो गए। और इनकी पहली फिल्म थी निकाह, जो कि 1982 की हिट फिल्म थी और इनमें इनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया बेस्ट अभिनेत्री का। उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल किया था निकाह में। और इसके बाद धीरे धीरे जो इनकी फिल्म आई कसम पैदा करने वाले की, ऊंचे लोग, सलमा, मीत मेरे मन के, जंगल की बेटी, हम और तुम, ये सब ये इनकी हिट फिल्म में थी और ये बहुत अच्छी गायिका भी रह चुकी हैं दोस्तों। तो इनकी जो मैक्सिमम पिक्चर थी इनकी खुद की, तो ये खुद ही उसमें गाना भी गाती थी, तो बहुत अच्छी गायिका रह चुकी हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत हीरोइन रह चुकी हैं। इनका रंग जो है वो गोरा और आँख और बाल का रंग ब्राउन था, तो ब्राउन है और बहुत ही सुंदर हैं ये, बहुत ही अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा इन्होंने 3 बार शादी की। इनका जो पर्सनल लाइफ अगर हम डिस्कस करेंगे, इनके पहले पति जावेद थे, उनसे इनकी शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने फिर उनसे तलाक के बाद 1989 में प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से हुई। इनसे इनके 2 बच्चे हुए, बेटी का नाम शागा आगा, शाशा आगा, और एक बेटा हुआ जिनका नाम लियाकत अली खान रखा इन्होंने। और फिर 2010 में दोनों का तलाक हो गया। तो सलमा आगा ने 2011 में दुबई के एक व्यवसायी मंजर शाह से शादी की और निकाह में 1982 में नीलोफर की भूमिका निभाई थी, तो इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था। और पाकिस्तानी फिल्म कोबरा और हिजरत में भी दिखाई दी थी। उनकी पहली फिल्म निकाह 82 के सबसे जब हिट फिल्म हो गई, तो उसके बाद इन्होंने रीना राय का अपार्टमेंट खरीदा था और रीना राय चूँकि पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई थी तो उनका फ्लैट इन्होंने ही लिया था। 2017 में सलमा की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI प्रदान किया गया था, जो केवल भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दिया जाता था। अभी ये फिलहाल मुंबई में रह रही हैं और जो महिला सशक्तिकरण और महिला के विकास के लिए और कई सारे NGOs में ये काम कर रही हैं, और ये मुंबई में रह रही हैं अभी प्रेजेंट में, और इनके पति दुबई में रहते हैं। और इनकी जो बेटी है शाशा आगा, उनका फिल्म में आगमन हो चुका है और बहुत ही अच्छा लाइफ रहा इनका दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और इनके बारे में जो मैंने जानकारी दी वो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।